प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है लोकल ही ग्लोबल हो। उनके इस सपने को साकार करने के लिए इन दिनों यमुनानगर का प्रगति प्लाईवुड दिन रात काम कर रहा है। करीब 10.5 एकड़ में बनी फैक्ट्री आधुनिक तकनीकों की मशीन से संयुक्त है। न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्री की सोच है कि हम अपने लोकल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए देश की तरक्की और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कंपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ 1 मेगावाट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगाकर पर्यावरण संरक्षण में देश को महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्री में 8 हॉट प्रेस की 112 डे लाइट और 3 जंबो ड्रायर से प्लाईवुड बोर्ड व दरवाजों का उत्पादन किया जाता है। 8 आरा मशीन और 1000 CFT के 8 वुड सीजनिंग चैम्बर हैं। कंपनी बड़ी मात्रा में पोर्ट प्लाईवुड पर डोर का निर्माण करती है। कंपनी की फिलॉसफी है कि कस्टमर को बेहतर क्वालिटी का उत्पाद उपलब्ध कराया जाए, जिससे कस्टमर और कंपनी के बीच रिश्ता लगातार मजबूत होता रहे। यही वह वजह है कि कच्चे माल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता। बेहतर और अच्छी लकड़ी के चयन के लिए विशेषज्ञों की एक टीम काम करती है, क्योंकि न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्री का मानना है कि जब तक लकड़ी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, तब तक हम उच्च गुणवत्ता का उत्पाद तैयार नहीं कर सकते हैं। लकड़ी प्लाईवुड की बुनियाद है, जितनी बुनियाद मजबूत होगी उतना उत्पाद ही अच्छा होगा। दक्ष केमिस्ट के निर्देश में बनाए गए रेजिन में नमी रोधक केमिकल मिलाकर प्लाईवुड को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किया जाता है। सिलेक्टेड कोर की प्रॉपर ड्राइंग के बाद कुशल प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा ओवरलैप और कोर गैप को नियंत्रित करते हुए हॉट प्रेस में नियंत्रित टेम्परेचर और टाइमिंग देते हुए हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके बाद और कुशल और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा प्रत्येक पीस का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। वेल इक्विपमेंट लेबोरेटरी में प्रत्येक लॉट से सैंपल टेस्ट करने के बाद ही BIS की मोहर लगाई जाती है। न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्री श्री पदम जैन, श्री विनोद जैन, श्री संजय भंसाली एवं श्री दिलीप संचेती व्यापार जगत के 4 कर्मठ व्यवसायियों का संयुक्त उद्यम है। किसी भी देश और समाज के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, और बिना इंडस्ट्री के किसी भी देश की आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। आर्थिक तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस देश का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग हो। हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है और यहाँ के कस्टमर हैं। हम चाहते हैं कि अपने कस्टमर को वाजिब कीमत पर इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रदान करें, और इसी पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हमारा क्वालिटी एक अपने मुकाम में है, एक उच्च स्तर की क्वालिटी का हम लोग माल बना के दे रहे हैं।